ओम शांति। आज की तारीख है 29/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा, जो हमें कौड़ी तुल्य जीवन से हमारी जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं। हीरा सबसे महंगे ते महंगा एक मणि है, तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी हमारी जीवन इतनी मूल्यवान बनाते हैं जिसकी कीमत हीरे से भी बढ़कर है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे शिव बाबा हम बच्चों से ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। जैसे लोहे में जंक चढ़ जाती है तो वो काला काला दिखता है, जंक उतरने पर वो फिर से बहुत चमकने लगता है। बाबा भी कहते हैं कि बाबा को खुशी खुशी से याद करेंगे तो जो भी पापों की विषय विकारों की जंक चढ़ी है वो उतर जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? हर एक को अंदर में ये एक उत्साह भरा उमंग भरा लक्ष्य है कि हम बाबा के गले की माला का दाना बने। तो बाबा पूछ रहे हैं उसका पुरुषार्थ क्या होगा। उत्तर है, माला का दाना वही बनेंगे, ध्यान से सुने, जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। अब ये पहले से बहुत अभ्यास किया हुआ होगा तो अंत में कोई याद नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वो सब उसको भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो, बस यही कि सब आत्मा भाई भाई हैं और यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है और मीठा बनना है, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। नंबर दो, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए कि मैंने ये दिया ये दिया वो दिया, ये याद भी न आए, कभी ये संकल्प न आए कि हम बाबा को देते हैं। हम बाबा को दे सकते हैं? नहीं, हम तो बाबा से लेते हैं और लेते ही रहेंगे। तो देना देते बाबा है, दाता बाबा है। हम कभी ना सोचें कि मैं देती हूँ या मैं देता हूँ। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जैसे कि काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं।
जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न हो, ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।